बच्चों, आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का केमिस्ट्री का पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास ट्वेल्थ का जो केमिस्ट्री का इंटायर सिलेबस है उसको हमने तीन पार्ट में या तीन फेज में डिवाइड किया है। पार्ट वन में हमको पढ़ना है सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री और स्टीरियो केमिस्ट्री। पार्ट टू या फेज टू, फेज थ्री में जो पढ़ना होगा वो बाद में हम आपको बताएंगे। अब देखो, अगर क्लास ट्वेल्थ का एनसीईआरटी आप निकालोगे तो पहला चैप्टर उसमें सॉल्यूशन नहीं दिखेगा, तो उसमें पहला चैप्टर आपको सॉलिड स्टेट दिखेगा, जो अभी करेंटली क्लास इलेवेंथ के सिलेबस में है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है ना सॉल्यूशन, ये जो टॉपिक है, इसके बारे में आपने शॉर्ट में क्लास नाइन्थ में पढ़ा होगा, लेकिन खुशी की बात यह है कि हम डे टू डे लाइफ में सॉल्यूशन से मिलते रहते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप वाटर ले लो, तो आप वाटर ले लो और वाटर में आप शुगर मिला दो, तो वाटर में जब शुगर मिलाएंगे तो जो बना ये मिक्सचर, ये क्या कहलाता है? ये सॉल्यूशन कहलाता है। या फिर आप वाटर ले लो और वाटर में मिला दो सॉल्ट, तो ये जो मिक्सचर बना अगेन, ये क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। तो मेनली आप जानते हैं कि सॉल्यूशन जब भी बनता है उसमें कम से कम दो कंपोनेंट होते हैं, या दो से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर दो दो कंपोनेंट के सॉल्यूशन बने हैं। तो ये जो दो कंपोनेंट है, इसमें जो वाटर एक कंपोनेंट है सॉल्ट या फिर शुगर, तो इस दो कंपोनेंट का अलग अलग नाम होता है। जो वाटर है या जो मेनली लिक्विड कंपोनेंट होता है, या फिर जो कंपोनेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्वेंट, और जो कंपोनेंट कम अमाउंट में होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। ये तो सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सॉल्वेंट के बारे में पढ़ लेते हैं डिटेल में, और फिर उसमें सॉल्यूट मिलाएंगे और फिर हम लोग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्वेंट के बारे में पढ़ने के लिए हम लोग एक कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर में सॉल्वेंट मिला देते हैं, यानी कि वाटर ले लेते हैं। तो आप क्या करोगे, घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप एक कंटेनर ले लो, उसमें कुछ वाटर ऐड कर दो और उस कंटेनर को, उस ग्लास को आप 10-12 दिन के लिए ऐसे छोड़ दो बाहर कहीं पर। तो आप देखोगे क्या कि ग्लास में जो वाटर का लेयर था ना, ये जो इतना यहाँ से यहाँ तक लेयर भरा हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक आपने ग्लास में पानी भरा था, आप देखोगे धीरे 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 ये जो है ना, ये पानी इसमें कम होता जाएगा, ये कुछ वाटर ऊपर से गायब हो जाएगा धीरे 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 धीरे, 4-5 दिन में ऐसा चेक करोगे। तो आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ है, बताइए ऐसा क्यों हुआ है? अभी लेयर इसमें कम हो गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया, ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि लिक्विड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स थे लिक्विड में, उसमें कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो गए हैं, वो गैस में कन्वर्ट हो गए, वो गैसियस स्टेट में चले गए। तो लिक्विड वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया है, इसीलिए वाटर का लेवल पहले ज़्यादा था, अभी कम हो गया है। इस फेनोमेना को हम लोग एक नाम से जानते हैं, क्या नाम है उसका? इवेपोरेशन बोलते हैं। देखिए, इसको केमिस्ट्री के फॉर्म में, केमिस्ट्री के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं कि लिक्विड वाटर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया गैसियस वाटर में। तो इस फेनोमेना का क्या नाम है? इवेपोरेशन। तो ये जो इवेपोरेशन है उसमें सरफेस के मॉलिक्यूल, सरफेस पर जो मॉलिक्यूल थे वो सरफेस को छोड़ करके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तब क्या करते हैं, कैसे आप इस गैस मॉलिक्यूल को छोड़ दोगे, तो ये जो है ये एटमॉस्फेयर में मिला जाएगा और धीरे धीरे लिक्विड का लेवल और कम होता चला जाएगा, लेकिन हमको इस कंटेनर को क्लोज कर देना है। तो हम क्या करते हैं, कंटेनर को के ऊपर से एक ढक्कन लगा देते हैं, हमने क्लोज कर दिया कंटेनर को। तब जब क्लोज कर दिया तो क्या होगा, तब क्या होगा कि अब शुरुआत में लिक्विड के मॉलिक्यूल जो लिक्विड स्टेट में थे वो बने थे वेपर, ये वेपर बन गए थे ये मॉलिक्यूल्स।
अभी धीरे धीरे ये जो वेपर मॉलिक्यूल्स हैं या ये जो गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स हैं, ये तो वापस वॉल से टकराएंगे, कभी कभी ये मॉलिक्यूल वापस आकर के लिक्विड सरफेस से भी टकराएंगे। और जैसे आप कभी कभी वॉल में गेंद फेंकते हो ना, तो वो गेंद टकरा के वॉल से वापस आ जाता है, तो ये वॉल से वापस, जैसे टकराया वॉल में और फिर वॉल से टकराया और फिर वापस आ गया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो मॉलिक्यूल है ना, जो वॉल से टकरा रहे हैं या जो लिक्विड सरफेस से टकरा रहे हैं, वो वापस ना आ पाए, ये इधर ही लिक्विड स्टेट में, ये जो मॉलिक्यूल था, एक मॉलिक्यूल यहाँ से चला और फाइनली ये लिक्विड बन गया, ये लिक्विड स्टेट में आ गया। तो यहाँ पर एक नया घटना चालू हो गया। वो कौन सा घटना है? वो जो नया घटना है वो है H2O गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना। और ये जो घटना है ये कहलाता है कंडेंसेशन, कंडेंस हो जाना, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना। तो आप देखोगे ना कि यहाँ पर जब एक कंटेनर में लिक्विड लेकर के और कंटेनर को क्लोज कर दोगे, तो यहाँ पर दो घटनाएं साइमल्टेनियसली एक साथ होने लगता है, और वो घटनाएं हैं इवेपोरेशन और फिर कंडेंसेशन। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो दोनों घटनाएं हैं इसके होने का स्पीड क्या है। तो आप देखोगे शुरुआत में जब गैस के एक भी मॉलिक्यूल यानी वेपर फेज में एक भी मॉलिक्यूल नहीं था, इधर कोई मॉलिक्यूल था ही नहीं, तो उस टाइम में जब ये मॉलिक्यूल नहीं था तो उस टाइम में सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहे होंगे, एक भी मॉलिक्यूल नहीं था पहले। लेकिन जैसे जैसे, तो यानी कि शुरुआत में सिर्फ इवेपोरेशन हो रहा होगा, और इवेपोरेशन किस स्पीड से हो रहा होगा तो वो डिपेंड कर रहा होगा कि सरफेस पर कितने मॉलिक्यूल हैं। जैसे सरफेस पर देखिए, शुरुआत में जैसे मान लो आपके पास यहाँ पर एक सरफेस था जिसमें कुछ 20 मॉलिक्यूल सरफेस से ऊपर चले जा रहे थे 1 सेकंड में, तो ये सारे मॉलिक्यूल, एक सरफेस था उससे 20 मॉलिक्यूल ऊपर चले जा रहे थे। अभी क्या हुआ, आपका ऊपर वाला सरफेस, ये जो सरफेस है ये गायब हो गया, कुछ मॉलिक्यूल ऊपर चले गए, तब नीचे में भी फिर उतना ही बड़ा सरफेस है, फिर क्या होगा, फिर यहां से 20 मॉलिक्यूल पर सेकंड गायब हो जाएंगे। फिर जैसे ये सरफेस भी गायब हो गया तो उसके नीचे भी आप देखोगे उतना ही बड़ा सरफेस है, फिर 20 मॉलिक्यूल सरफेस से चले जाएंगे। तो इवेपोरेशन का जो रेट है वो सरफेस एरिया पर मेनली डिपेंड कर रहा है, और सरफेस एरिया, चूंकि ये जो सरफेस का एरिया है, ये जो एरिया है ये एरिया टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है, और इसीलिए मॉलिक्यूल का जो इवेपोरेशन होने का रेट है वो कांस्टेंट है, वो फिक्स रेट से इवेपोरेट मॉलिक्यूल जो है लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट होता रहता है। लेकिन कंडेंसेशन के बारे में अगर बात किया जाए, तो शुरुआत में मॉलिक्यूल्स बहुत कम थे, एक दो मॉलिक्यूल थे या नहीं थे, तो कंडेंसेशन कम हो रहा होगा, यानी कम ही मॉलिक्यूल आके टकराते होंगे इधर लिक्विड से। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर मॉलिक्यूल का संख्या बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ज़्यादा मॉलिक्यूल टकराएंगे और कंडेंस होने का रेट बढ़ता जाएगा। तो अभी देखो आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं, कि जैसे शुरुआत में जो इवेपोरेशन था वो एक रेट से चल रहा था 20 मॉलिक्यूल पर सेकंड, और कंडेंसेशन शुरुआत में 0 था, फिर बढ़ के 1 मॉलिक्यूल पर सेकंड हो गया, फिर 2 मॉलिक्यूल पर सेकंड हो गया, फिर 3 मॉलिक्यूल पर सेकंड हो गया, और ऐसा करते करते एक टाइम ऐसा भी आएगा जब कंडेंसेशन भी 20 मॉलिक्यूल पर सेकंड हो जाएगा। तो अब बताइए उस टाइम पर आपको क्या ये जो लिक्विड का लेवल है, ये जो लेवल है लिक्विड का, क्या आप इसको फर्दर, ये जो लेवल है इसको फर्दर कम होते हुए देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल कंडेंस हो जा रहे हैं, तो आपको नेट लिक्विड का सरफेस नीचे जाता हुआ या लेवल नीचे जाता हुआ नहीं दिखेगा, या नेट लिक्विड के अमाउंट और नेट जो वेपर के अमाउंट है ये दोनों अमाउंट नेट आपको कांस्टेंट दिखाई देगा। और ये जो स्टेट होता है जिस स्टेट में इवेपोरेशन का रेट को हम लोग डिनोट करेंगे RE से, और कंडेंसेशन का रेट, ये दोनों जब बराबर हो जाए तो उस स्टेट को बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब जितने मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे हैं, जितने मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल कंडेंस हो जा रहे हैं। इस सिस्टम में
हमको नेट कोई चेंज दिखाई दे नहीं दे रहा है, नो नेट चेंज। तो इक्विलिब्रियम जब एक बार अटेन हो जाएगा, जिस टाइम पर इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का रेट बराबर होगा उसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो इक्विलिब्रियम के टाइम पर अब हमें ऑब्जर्व करना है इसी सिस्टम को दोबारा से। तो एक बार जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तब इसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि अभी ये जो गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल हैं ये कॉन्स्टेंटली कंटेनर के वॉल से टकराते होंगे, ये कॉन्स्टेंटली लिक्विड के सरफेस से टकराते होंगे, वॉल पे भी हर एक डायरेक्शन में टकराते होंगे। तो ये आप इसको ऐसा देख सकते हो कि ये गैस के मॉलिक्यूल हैं जो कंटेनर के वॉल से टकरा रहे हैं, और गैस के मॉलिक्यूल अगर कंटेनर के वॉल से टकराएंगे तो कंटेनर के वॉल पर प्रेशर लगेगा, और ये जो प्रेशर लगेगा इस प्रेशर का नाम होगा वेपर प्रेशर। क्या नाम होगा इसका? वेपर प्रेशर, क्योंकि ये लिक्विड के वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर है। तो हम लोग आज वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि वेपर प्रेशर की बात आप तब करोगे जब लिक्विड और वेपर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन कर चुके होंगे, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं वेपर प्रेशर का। सबसे पहले तो ये देखिए, ये है वेपर प्रेशर का डेफिनेशन आपका, आप लोग लिख लीजिए वेपर प्रेशर का डेफिनेशन। द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगता है, या बोल सकते हैं ओवर दी वॉल ऑफ कंटेनर एट इक्विलिब्रियम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन रहना चाहिए एट इक्विलिब्रियम, और हम टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे, किसी भी दिए हुए टेम्परेचर पर हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे होंगे। तो एट एनी गिवन टेम्परेचर, किसी भी दिए हुए टेम्परेचर पर जब वेपर और लिक्विड ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे तब जो वेपर के मॉलिक्यूल जो प्रेशर लगाएंगे वो प्रेशर कहलाएगा वेपर प्रेशर। तो अब बताइए ये जो वेपर प्रेशर है ये किन-किन बातों पर डिपेंड करेगा? तो वेपर प्रेशर किन-किन बातों पर डिपेंड करेगा इसको समझने के लिए हम लोग वापस से उस कंटेनर के पास चलते हैं जिसमें वेपराइजेशन हो रहा था। देखिए ये कंटेनर था, तो वेपर प्रेशर की बात हम लोग तब करते हैं जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया हो। यानी कि यहाँ पर ये देखिए दो रिएक्शन है, एक लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना और फिर गैस का वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होना। ये दोनों ओपोजिंग रिएक्शन, ये फॉरवर्ड रिएक्शन और फिर ये बैकवर्ड रिएक्शन, ये दोनों जब से इक्वल स्पीड से होने लगे तब बोलते हैं सिस्टम इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया है। और इक्विलिब्रियम को जब सिस्टम अटेन कर लेता है तो उसके लिए एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। तो जैसे ये एक रिएक्शन है ना, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा पहले, एक तरीका होता है केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, और दूसरा तरीका है केपी। तो जब भी गैसियस कंपोनेंट इन्वॉल्व हो किसी रिएक्शन में तो केपी के टर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करना ज्यादा अच्छा रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केपी के टर्म में डिफाइन करते हैं। अब हम तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा इस रिएक्शन का, इसका वैल्यू लिखेंगे तो आप लिखेंगे प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या है, H2O गैस है और H2O गैस का प्रेशर, प्रेशर ऑफ H2O गैस, प्रेशर ऑफ H2O गैस। अच्छा, इसी को तो हम लोग वेपर प्रेशर बोल रहे थे। इक्विलिब्रियम पर H2O के मॉलिक्यूल्स, इधर देखिए कंटेनर में इक्विलिब्रियम पर H2O के मॉलिक्यूल जितना प्रेशर लगा रहे थे यही तो वेपर प्रेशर है। तो ये हो गया प्रेशर ऑफ H2O गैस यानी वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर का वैल्यू ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है। अब कोई सोचेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट को हमने नहीं लिखा है क्योंकि रिएक्टेंट प्योर लिक्विड है, और आपको पता है कि प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड कंपोनेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में अपियर नहीं करता है। तो हम लोग केसी के बारे में बात यहां पर नहीं करेंगे, केपी ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है। तो केपी जो है इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी, वो केपी जो है वेपर प्रेशर के बराबर हो गया। अब बताइए केपी किन-किन बातों पर डिपेंड करता है, याद कीजिए एक बार क्लास 11th की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किन-किन बातों पर डिपेंड करता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करता है, वो है टेम्परेचर।
हम लोग वापस आते हैं। तो जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो वेपर प्रेशर भी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये तो भी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर ही है। तो ये किस पर डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कोई दिक्कत? इस इक्विलिब्रियम फेनोमेना को हम लोग ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, जिस ग्राफ पर एक्स एक्सिस पर लेते हैं हम लोग टाइम और वाई एक्सिस पर लेंगे हम लोग रेट। रेट किस चीज का? रेट, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो अभी हमने बात किया था कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो कांस्टेंट रहता है, और इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं आर इवेपोरेशन से। और कंडेंसेशन का रेट जो है वो टाइम के साथ बढ़ता जाता है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं आर कंडेंसेशन सी से। एक टाइम आएगा जब दोनों रेट ये बराबर हो जाएगा, और उस टाइम को हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम टाइम। ये है टी इक्विलिब्रियम। ये ग्राफ आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो हमने पढ़ा कि ये जो वेपर प्रेशर होता है, जिसका वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है, ये सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो आइए देखते हैं कि टेम्परेचर पर किस तरीके से डिपेंड करता है। तो देखिए, ये है आपका इक्वेशन, जिसके आधार पर पता चलेगा कि वेपर प्रेशर जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये जो केपी दिख रहा है ना, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यही वैल्यूज है वेपर प्रेशर, ये जो वैल्यूज है। तो वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर के बराबर होता है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस तरीके से टेम्परेचर पर डिपेंड करता है इस इक्वेशन के जरिए। आपको ये इक्वेशन को आपने पहले पढ़ा होगा क्लास 11th में, केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो यहां पर देखिए क्या है, T1 T2 दो टेम्परेचर है, ये T1 एक टेम्परेचर है, T2 दूसरा टेम्परेचर है। T1 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू है KP1, या फिर वेपर प्रेशर का वैल्यू है KP1, और T2 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू है KP2, या फिर वेपर प्रेशर का वैल्यू है KP2। यहां पर ये जो वैल्यू R है, ये क्या है? R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और R का वैल्यू कितना होता है? तो R इज इक्वल टू ये है 1.99 कैलोरी पर मोल केल्विन, या फिर 8.314 जूल पर मोल केल्विन। यहाँ पर 1.99 की जगह पर आप कभी कभी 2 भी लिख सकते हो इसको, 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, और यह है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। तो डेल्टा एच का जैसा यूनिट दिया रहेगा, उसी के आंसर से आपको आर का वैल्यू पुट करना है इस इक्वेशन में। डेल्टा एच क्या है? डेल्टा एच है रिएक्शन के दौरान इंथैल्पी का चेंज। रिएक्शन कौन सा है? रिएक्शन है H2O लिक्विड का H2O गैस में कन्वर्ट होना। तो डेल्टा एच जो है वो है इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि लिक्विड को वेपर में बनाने के दौरान जो इंथैल्पी या एनर्जी का चेंज होता है, या जो एनर्जी खर्च होता है, वही आप बोल सकते हैं इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो इस इक्वेशन में सब कुछ पता है, यह है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T2, यह है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T1, यह है डेल्टा एच यानी कि इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, यह आर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। चलिए, तो बच्चों हमने जो ये इक्वेशन पढ़ा है कि किस तरीके से टेम्परेचर पर डिपेंड करता है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये जो KP1 और KP2 है वो टेम्परेचर पर किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। तो इसी इक्वेशन को हम लोग यूज करते हैं और समझते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके सामने है, एक लिक्विड है जिसका वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है 30 mmHg एट 100 केल्विन, यानी कि एक टेम्परेचर T1 दिया हुआ है, T1 टेम्परेचर जो कि 100 केल्विन है, उस पर वेपर प्रेशर है 30 mm, और आपसे इसका वेपर प्रेशर पूछा जा रहा है एट 200 केल्विन, यानी T2 भी दे दिया गया और वेपर प्रेशर आपको दूसरे टेम्परेचर पर पूछा जा रहा है। इस लिक्विड का इंथेल्पी ऑफ वेपराइजेशन ये कितना है? इंथेल्पी ऑफ वेपराइजेशन है 920 कैलोरी पर मोल। तो यहाँ पर कैलोरी दो बार आ गया, इसको एक बार काट लीजिए, तो 920 कैलोरी पर मोल। तो आप लोग
वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और फिर जब आंसर आ जाए तब वीडियो को दोबारा से स्टार्ट कीजिएगा। तो देखिए ये है सॉल्यूशन आपके सामने, ये इक्वेशन को हमने लिख लिया है जो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के का रिलेशन बताता है। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये जो केपी है, केपी टू केपी वन, यही है आपका ये वेपर प्रेशर, ये वाला ये और ये दोनों वेपर प्रेशर है, ये टी वन टी टू है, ये डेल्टा एच है। तो आपको इन सभी चीज़ों का वैल्यू पुट करना है और फिर आंसर आ जाएगा। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ से आ गया लॉग के पी टू है, के पी टू आपको पूछा जा रहा है कि किसी दूसरे टेम्परेचर 200 पर, 200 केल्विन टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर पूछा जा रहा है। तो के पी टू को हम मान लेते हैं एक्स, जो कि हमें निकालना है, और के पी वन यानी कि पहले टेम्परेचर पर ये 30 mm जो है ना, ये वेपर प्रेशर है, तो ये है 30। अब ध्यान रहे कि यहाँ पर जो आपने वेपर प्रेशर यूज़ किया है 30, उसका यूनिट है mmHg, तो ये जो x निकल के आएगा उसका भी यूनिट होगा mmHg। तो दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच, डेल्टा एच है इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन 920, तो ये है 920 कैलोरी पर मोल, और डिवाइड बाय 2.303 आर, आर का वैल्यू रख दिया जाए, आर का वैल्यू होता है इनटू 2 कैलोरी पर मोल इनटू केल्विन। अभी आपको पता है मोल इनटू केल्विन, आपको पता है कि जो आर का वैल्यू होता है वो एक्चुअली 1.99 होता है, हमने 2 लिख दिया है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, और ये है 1/T1, तो 1/100 केल्विन माइनस 1/200 केल्विन, तो जगह कम है इसलिए हम थोड़ा सा छोटा लिख रहे हैं। अब आपको इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। चलिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाला मिटा देते हैं और इसी को सॉल्व करके हम ऊपर लिखते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे राइट साइड में जो क्वांटिटी है वो सारा क्वांटिटी सॉल्व करके आपका आ जाएगा, ये हो गया लॉग एक्स बाय 30 इज इक्वल टू, ये देखिए ये 1/100 केल्विन माइनस 1/200 केल्विन, ये जो है तो ये हो जाएगा 1/200 केल्विन, तो नीचे आ गया 200 केल्विन, सॉरी नीचे 1/200 केल्विन ही आ गया ये पूरा, और 1/200 इंटू 2 तो ये हो गया 1/400 और इंटू 2.3 तो ये 920, 1/400 इंटू 2.3 तो ये हो गया आपका 920, बिल्कुल सही है, तो 920 हो गया एग्जैक्टली, तो 920 हो गया, तो ये वैल्यू राइट साइड आ गया 1, तो राइट साइड की वैल्यू ये है 1, तो 1 यानी कि इसका मतलब हुआ कि एक्स बाय 30 जो है इसका वैल्यू कितना है, ये है 10, log 10 1 होता है, यानी कि यहाँ से आप बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 300, तो 300 का यूनिट क्या आएगा, ये जो x का वैल्यू आया 300, ये आपको 300 mmHg इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब आपको करना क्या है कि एक और क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ ये हम क्लास में सॉल्व नहीं करेंगे, आपको ये क्वेश्चन घर से सॉल्व करके अगले क्लास में लाना है, और अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इस क्वेश्चन में अगर किसी बच्चे को परेशानी रहेगा तो हम बता देंगे। चलिए अब हम लोग ये जो इवेपोरेशन फेनोमेना पढ़े हैं, वेपोराइजेशन, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो अगर आपको याद हो तो हमने एक बात, एक वर्ड यूज किया था इवेपोरेशन पढ़ाते समय कि इवेपोरेशन जो है ये एक सरफेस फिनोमेना होता है, यानी कि ये जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये मॉलिक्यूल्स सरफेस वाले, ये मॉलिक्यूल्स, तो यही मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होते हैं, अंदर का मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल है ना एक अंदर वाला, ये मॉलिक्यूल इवेपोरेट नहीं होता है। तो अब मेरा कहना आपसे ये है कि आखिर सरफेस का ही मॉलिक्यूल क्यों इवेपोरेट होता है, जो मॉलिक्यूल लिक्विड में अंदर में है, तो ये सब जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल क्यों नहीं इवेपोरेट हो सकता, यही क्यों होता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि सरफेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं यहाँ पर सनलाइट वगैरह पड़ता है तो सरफेस के मॉलिक्यूल के पास एनर्जी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए सरफेस का मॉलिक्यूल आसानी से गैस में कन्वर्ट हो सकता है।
तो ये बहुत सारा रीजन दिया जाता है इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि सरफेस के मॉलिक्यूल ही इवेपोरेट कर सकते हैं। पर मैं आपको बताऊं, अगर एक एक जो जो कंटेनर है, इस कंटेनर को आप ले लीजिए और इसको एक क्लोज्ड रूम में रख दीजिए जहां पर कोई लाइट नहीं जा रहा है, यहाँ की एयर भी नहीं जा रहा है, हवा भी नहीं पहुंच रहा है बाहर से कोई, तो वहां पर भी आप देखेंगे ना कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं। तो इसका मतलब लाइट वगैरह या जो बाहर से एटमॉस्फेयर से एनर्जी आता है, वो जो टकराता है सरफेस से, वो सब कोई रीजन नहीं है इवेपोरेशन का। तो इवेपोरेशन का रीजन क्या है, देखिए, तो आपको पता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के, वो आपस में रैंडम मोशन करते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, ये रैंडम मोशन करते हुए गया और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, इससे टकरा गया इसे। तो टकराने के बाद क्या होगा, ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो नीचे की तरफ जाएगा और ये वाला मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो गया गैसियस स्टेट में, ये गैस बन गया, ये मॉलिक्यूल यहाँ पर ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। अब क्वेश्चन ये है, कोई ये भी बोल सकता है कि क्या ये वाला मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल भी तो ऐसा टकरा करके गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक मॉलिक्यूल था, वो मॉलिक्यूल आया इससे टकराया यहाँ पर इसे, तो ये मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जाएगा। पर ये जब मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जा रहा है, ये मॉलिक्यूल डायरेक्टली गैसीय स्टेट तक नहीं पहुंच सकता है। क्यों? क्योंकि जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहां पर तमाम सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो इससे वापस टकरा जाएंगे और इसको पुनः लिक्विड स्टेट में रहने के लिए बाध्य कर देंगे, उसको मजबूर कर देंगे, इधर ही रहना पड़ेगा। ये मॉलिक्यूल डायरेक्टली यहाँ से निकल करके गैसीय स्टेट में नहीं जा सकता है। ये जो फैसिलिटी है, ये सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल है सरफेस पर जो मॉलिक्यूल, इसके लिए। तो इसीलिए सरफेस से ही इवेपोरेशन हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट इवेपोरेशन के बारे में, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना। कैसा फेनोमेना है ये? सरफेस फेनोमेना है। तो सरफेस फेनोमेना है, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, इवेपोरेशन का रेट उतना ज्यादा होगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, इवेपोरेशन का रेट उतना ज्यादा होगा। तो पहली बात ये। तो अभी जो हमने पढ़ा है यहाँ पर इस डायग्राम के माध्यम से, इसी को समराइज कर लेते हैं एक बार, कि इवेपोरेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू कोलिजन बिटवीन सरफेस मॉलिक्यूल्स। और दूसरा पॉइंट, ये तीनों पॉइंट आप लोग अभी तीन पॉइंट लिखेंगे, वो नोट कर लीजिएगा, कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस इफ सरफेस एरिया इंक्रीजेस। तो दूसरा पॉइंट, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज इफ सरफेस एरिया इंक्रीजेस, ये इंक्रीज होने का साइन है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो आप बोलेंगे टेम्परेचर इंक्रीज करने से सरफेस इवेपोरेशन का रेट क्यों इंक्रीज करेगा? तो ये बहुत सिंपल बात है कि टेम्परेचर जितना ज्यादा रहेगा, लिक्विड मॉलिक्यूल के पास एनर्जी उतना ज्यादा रहेगा, ये जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल उतना ज्यादा एनर्जी से टकराएंगे और इनका ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगा सरफेस से बाहर निकल करके गैस स्टेट में चले जाने का, ठीक है। तो ये आपको तीनों बातें ध्यान रखना है। अब एक नया फेनोमेना के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, बॉयल, क्योंकि इवेपोरेशन और बॉयलिंग ना, ये दोनों एक दूसरे से काफी कनेक्टेड सब्जेक्ट मैटर है। जैसे जब भी आपको वाटर को वेपर में बनाने की बात आप कर रहे होंगे, तो इवेपोरेशन की भी बात कर रहे होंगे और कभी कभी बॉयलिंग की भी बात आ जाती है। आपको अगर घर में वाटर को वेपर बनाना बनाना है जनरली, तो आप इवेपोरेशन होने का इंतजार नहीं करते हैं। आपको अगर रियली वाटर को गैस में कन्वर्ट करना है, तो आप वाटर को बॉयल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्या अंतर है इवेपोरेशन और बॉयलिंग में, उसके बारे में अगर बात करते हैं, तो जो बॉयलिंग फेनोमेना है, इसमें होता क्या है कि जैसे इवेपोरेशन होता था उन्हीं मॉलिक्यूल्स का जो सरफेस पर थे, ये सब मॉलिक्यूल्स, लेकिन बॉयलिंग ऐसा नहीं है। बॉयलिंग ऐसा जो फेनोमेना है, उसमें क्या होता है कि आप ये जो कंटेनर है, इसमें जो लिक्विड रखा हुआ उसको गर्म कर रहे हैं, उसको आप
हीट कर रहे हैं यहाँ से, देखिए यहाँ पर आपने एक बर्नर लगा दिया और इधर से हीट करना चालू किया। तो होता क्या है, जब आप हीट देते हैं तो हर एक मॉलिक्यूल का, ये सब जो मॉलिक्यूल हैं, इनका एनर्जी बढ़ जाता है। और जब इनका एनर्जी बढ़ जाता है तो फिर ये मॉलिक्यूल इस बात का इंतजार नहीं करता, या ये मॉलिक्यूल इस बात का इंतजार नहीं करता है कि कोई मॉलिक्यूल इससे टकराएगा और तब ये ऊपर जाएगा। सरफेस हो या लिक्विड के अंदर वाला पार्ट, जिसको हम लोग बल्क पोर्शन बोलते हैं, बल्क ऑफ द लिक्विड, सरफेस हो या बल्क ऑफ द लिक्विड हो, कहीं से भी एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी यानी एनर्जी इतना ज़्यादा हो जाता है हीट करने के चलते कि वो मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एस्केप कर सकता है। कोलिजन वगैरह इसके लिए कोई फैक्टर नहीं है, कोलिजन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन हर एक मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी है जिस एनर्जी को लेकर के वो मॉलिक्यूल यहाँ से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में जा सकता है। तो जैसा हमने पढ़ा था कि सरफेस से एवेपरेशन होता है, इसीलिए एवेपरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना। तो वैसे ही बॉयलिंग तो सरफेस से ही नहीं बल्कि लिक्विड के हर एक पोर्शन से, पूरे पोर्शन से होता है। तो इसका मतलब हो गया कि बॉयलिंग इज बल्क फेनोमेना, बल्क मतलब लिक्विड के किसी भी पोर्शन से हो सकता है, बल्क फेनोमेना, ठीक है। लेकिन एक और बात है यहाँ पर कि जब आप इवेपोरेशन के बारे में बात करते हैं तो आप देखेंगे कि ग्लास में अगर आप पानी रख दोगे, तो जैसे एक कंटेनर लिया उसमें पानी रख दिया आपने इधर, तो ये जो इवेपोरेशन चल रहा होगा वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर चल रहा होगा। अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दिए 20 डिग्री कर दिए तो भी इवेपोरेशन होगा, टेम्परेचर चेंज करके 30 डिग्री कर दिए तब भी इवेपोरेशन होगा। लेकिन अगर आपको बॉयल करना है तो फिर 10 डिग्री पर बॉयल नहीं होगा वाटर, 20 डिग्री पर बॉयल नहीं होगा, 30 डिग्री पर बॉयल नहीं होगा। तो बॉयलिंग कब होगा, तो बॉयलिंग के लिए आपको वाटर को फिक्स एक डेफिनेट टेम्परेचर तक गर्म करना पड़ेगा, और वाटर को कितना गर्म करना पड़ता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बॉयलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का फिक्स्ड होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही लिक्विड बॉयल होता है। जैसे वाटर का टेम्परेचर कितना है बॉयलिंग, वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऐसा क्या खास बात होता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल कहीं से भी लिक्विड स्टेट को छोड़कर के बाहर निकल सकते हैं, वो गैसियस स्टेट में जा सकते हैं। तो देखिए ये रीजन है, बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होता है, एट बॉइलिंग पॉइंट पर जो लिक्विड के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। यानी कि ये जो लिक्विड है ये जितना प्रेशर लगा रहा है, जब ये ऊपर जा रहा है ना, तो ये गैस बनेगा, और ये गैस बन करके ये गैस के मॉलिक्यूल रेंडम मोशन करेंगे, तो ये जितना प्रेशर लगा सकता है उतना ही प्रेशर एटमॉस्फेयर से जो है एयर लगाएगा। हम चीज़ों को आसान बनाने के लिए एक दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड को बॉयल किया जा रहा है, ये लिक्विड है, इसको आप नीचे से हीट कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, तो ये लिक्विड बॉयल होगा। तो ये लिक्विड जो यहाँ से बाहर निकलेगा, ये लिक्विड यहाँ से जब ये बाहर निकलेगा तो कुछ प्रेशर लगाएगा ना, तो बॉयल होने का मतलब ये उतना ही प्रेशर लगाएगा जितना प्रेशर एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स इस पर लगा रहे हैं। तो ये है पी एक्सटर्नल, बाहरी प्रेशर, और ये है वेपर प्रेशर। तो जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो उस टाइम में हम लोग बोलेंगे कि लिक्विड बॉयल हो रहा है, और वो जो टेम्परेचर कहलाता है वो कहलाता है बॉयलिंग पॉइंट, ठीक है। तो एक बार समराइज कर देते हैं, तो बॉयलिंग, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बॉयलिंग इज कॉज्ड व्हेन ईच लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैज गेन्ड इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। हर एक लिक्विड का मॉलिक्यूल के पास इतना एनर्जी होता है कि वो डायरेक्टली वेपर स्टेट में जा सकता है। और दूसरा बात कि लिक्विड बॉयल्स इफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, यानी कि उस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉयल करता है जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। अब हम लोग एक बार क्विकली इवेपोरेशन और बॉयलिंग में डिफरेंस देख लेंगे। तो क्या क्या डिफरेंस है, सबसे पहले कि ये जो ये है ये इवेपोरेशन है, देखिए इस डायग्राम में दिख रहा है ना आपको, ये सरफेस से निकल रहा है मॉलिक्यूल, सरफेस के मॉलिक्यूल केवल बाहर निकल रहे हैं, ये देखिए ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं,
और बॉयलिंग आप देखेंगे कि हर जगह के मॉलिक्यूल जो है बाहर निकल रहे हैं। तो ये कैसा फिनोमिना है? सरफेस। ये कैसा फिनोमिना है? बल्क। ये बॉयलिंग है। ये इसके लिए फिक्स्ड टेम्परेचर, फिक्स्ड टेम्परेचर, क्या बोलते हैं उस टेम्परेचर को? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। इसके लिए एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर बॉइलिंग सॉरी इवेपोरेशन हो सकता है। तो ये मेजर डिफरेंस है इवेपोरेशन और बॉइलिंग में। एक और टर्म आता है वोलाटिलिटी। वोलाटिलिटी मतलब ये बेसिकली कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने की कितनी टेंडेंसी रखता है, इस बात को बोलते हैं लिक्विड का वोलाटिलिटी। उतना ज्यादा, जितना ज्यादा कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने का टेंडेंसी रखता है उतना ज्यादा वोलाटाइल कहलाएगा। तो कैसे पहचानेंगे कौन सा लिक्विड ज्यादा वोलाटाइल है? तो लिक्विड विथ हायर बॉइलिंग पॉइंट, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जैसे मान लो एक लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 500 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि अगर आप लेस देन 500 डिग्री, 500 डिग्री से कम उसको अगर आप गर्म करते हैं तो वो बॉयल नहीं करेगा, यानी कि वो वेपर में फॉर्म कन्वर्ट होने की टेंडेंसी कम रखता है, यानी कि वो लेस वोलाटाइल है। कोई एक लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है मान लो 100 डिग्री, यानी कि अगर आप उसको 100 डिग्री पर गर्म कर देंगे तो वो 100 डिग्री अगर बॉइलिंग पॉइंट है तो 100 डिग्री पर गर्म कर देंगे तो लिक्विड बॉयल होने लगेगा, यानी वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट 500 था, उसको वेपर में कन्वर्ट होने के लिए आपको 500 डिग्री गर्म करना पड़ेगा, यानी ज़्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है। इसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए कम एनर्जी देना पड़ रहा है, तो बोलेंगे इसको मोर वोलाटाइल। ये वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है, ये है मोर वोलाटाइल। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज मोर वोलाटाइल, इसमें से मोर वोलाटाइल कौन है? तो सोच के जल्दी से बताइए आपको आप लोग, विच इज मोर वोलाटाइल, मोर वोलाटाइल। तो आंसर है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो ज्यादा वोलाटाइल है, तो इथेनॉल। ठीक है, चलिए अब एक सेक्शन को, ये जो वेपर प्रेशर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे उस सेक्शन को एंड करने वाले हैं। बस हम आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं, आपको उस क्वेश्चन के बारे में वीडियो को पॉज करके 2 मिनट सोचना है और फिर हम डिस्कशन चालू करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन हम पूछने जा रहे हैं, ये थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट है इवेपोरेशन का, कि इवेपोरेशन से जुड़ा हुआ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर क्या है। तो देखिए, आपने एक वर्ड पहले सुना होगा, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो सुना है आपने, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इसका क्या मतलब है? आप लोग 2 मिनट सोचिए, तब हम लोग फिर इस पर बात करेंगे। तो वीडियो को पॉज कर दीजिए आप लोग। तो आपने सोच लिया होगा इस स्टेटमेंट के बारे में, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इसका मतलब क्या है? तो देखिए, आपको पता है कि सरफेस के मॉलिक्यूल जो हैं वो इवेपोरेट कर जाते हैं, वो गैसीय स्टेट में चले जाते हैं। क्या सरफेस के सारे मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल गैसीय स्टेट में जा सकता है इधर से वेपराइज होकर के? तो नहीं, ये जरूरी नहीं है। गैसियस स्टेट में जाने के लिए सरफेस के मॉलिक्यूल के पास सफिशियंटली एक हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए, सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए। जिस मॉलिक्यूल का एनर्जी कम होगा, जैसे मान लीजिए कि ये दो बॉल्स हैं, ये दोनों बॉल्स हैं और ये एकदम धीरे से यहां से टकराया, तो ये मॉलिक्यूल ऊपर नहीं जा पाएगा। इस मॉलिक्यूल को ऊपर जाने के लिए करना क्या पड़ेगा कि ये मॉलिक्यूल जब इससे टकरा रहा है तो इसको सफिशियंटली हाई वेलोसिटी से, हाई स्पीड से टकराना पड़ेगा। तो होगा क्या कि ये मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा एनर्जी से टकराया तो इसका एनर्जी थोड़ा सा लॉस हो गया, उसके एनर्जी को पाकर के ये मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। तो टाइम के साथ साथ ओवरऑल क्या हो रहा है कि लिक्विड स्टेट में जो मॉलिक्यूल ज़्यादा एनर्जी वाले हैं, जैसे ये मॉलिक्यूल ज़्यादा एनर्जी वाला था ना, तो ये मॉलिक्यूल उड़ गया, ये भी मॉलिक्यूल मान लीजिए ये भी वेपराइज हो गया, तो जो ज़्यादा एनर्जी वाला मॉलिक्यूल था ये भी उड़ गया।
तो धीरे धीरे जो भी ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल हैं वो लिक्विड स्टेट से वेपराइज कर जा रहे हैं। ज्यादा एनर्जी वाला मॉलिक्यूल था वो निकल गया। तो ओवरऑल टाइम के साथ साथ लिक्विड स्टेट में जो मॉलिक्यूल बचेंगे वो लो एनर्जी मॉलिक्यूल बचेंगे। तो क्या होगा, धीरे धीरे लिक्विड का ओवरऑल टेम्परेचर, ये जो लिक्विड बचा हुआ है इसका ओवरऑल टेम्परेचर कम होता जाएगा। और इसका टेम्परेचर कम होगा तो फिर क्या करेगा, ये एटमॉस्फेयर से, जैसे मान लीजिए अभी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कुछ मान लीजिए 40 डिग्री है, इसका टेम्परेचर कम होकर 20 डिग्री आ गया है, तो क्या होगा, ये एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेना चालू कर देगा। तो इवेपोरेशन से सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा कि लिक्विड का खुद का टेम्परेचर कम हो जाएगा। और एक बार लिक्विड का टेम्परेचर कम होने लगेगा तो वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को भी धीरे धीरे कम करेगा और एटमॉस्फेयर भी ठंडा हो जाएगा। इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इसका एग्जाम्पल आप लोग बहुत जगह देखे होंगे, जैसे ये बताइए किस चीज का फोटो है इधर डायग्राम, ये एक कूलर का, इसको बोलते हैं डेजर्ट कूलर, ये डेजर्ट कूलर है। इसमें क्या होता है, देखिए ये कूलर कैसे काम करता है, आप नॉर्मली फैन चलाएंगे ना रूम में, और डेजर्ट कूलर के अंदर पे भी यहां पर एक फैन होता है, इस एरिया में एक फैन होता है, ये जो सेंट्रल एरिया है ना यहाँ ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, इसमें एक फैन होता है और ये जो फैन है वो घूमता है। तो नॉर्मल सीलिंग फैन, छत में लगा हुआ फैन उतना ठंडा नहीं करता जितना डेजर्ट कूलर करता है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि आखिर डेजर्ट कूलर में क्या खास बात है जो वो इतना ज़्यादा गर्मी कर सॉरी ठंडा करता है, इसमें क्या खास बात है, इसके अंदर क्या खास बात है। तो होता क्या है बेसिकली, तो होता ये है कि यहाँ पर आपको पता है नीचे में पानी स्टोर होता है, इसमें मोटर के द्वारा पानी को ऊपर ले जाया जाता है और पानी ऊपर से धीरे धीरे गिरता है इस पैनल्स के थ्रू, और पानी छोटे छोटे बूंदों में टूट जाता है। और यहाँ जो लगा हुआ पंखा होता है, इधर जो पंखा इसके अंदर लगा हुआ है ना, ये पंखा घूमता है और यहाँ पर जो पानी है उसको इवेपोरेट कराता है। कई बार इस पानी को वो रूम में इधर बाहर भी फेंकता है, और बाहर में ये जो रूम है ना एटमोसफेयर, उधर ये पानी इवेपोरेट होता है, और वही इवेपोरेशन के चलते ये कूलर काम करता है, रूम को ठंडा कर देता है। तब आपको पता है कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, अभी हमने जस्ट पढ़ा है। इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा गर्मी होगा रूम में, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, मौसम जितना गर्म होगा, डेजर्ट कूलर उतना ज़्यादा ठंडा करेगा रूम को। इसलिए बोलते हैं डेजर्ट कूलर वर्क्स बेटर ऑन अ हॉट सनी डे। जब धूप सामने निकला हुआ बहुत तेज धूप हो तो डेजर्ट कूलर और ज़्यादा अच्छे से काम करता है। और इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। आप लोगों ने सुना होगा या देखा भी, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि मिट्टी के घड़े में पानी को स्टोर करते हैं। देखिए मिट्टी का घड़ा, इसमें पानी को स्टोर करते हैं तो पानी ठंडा रहता है, और स्टील के बर्तन में स्टोर करेंगे तो ठंडा नहीं रहेगा, इसमें कोल्डनेस नहीं आएगा पानी में, इसमें आ जाएगा, ये कोल्ड रहेगा। क्यों, देखिए मिट्टी घड़े में क्या होता है कि इसके अंदर आपने पानी भर दिया तो पानी अंदर से जो है रिस करके इसके सरफेस पर आ जाता है। तो होता ये है कि जब पानी इसके सरफेस पर आ गया, इधर ये पानी के मॉलिक्यूल्स आ गए, तो देखिए पूरा घड़ा का जो सरफेस है ना, ये बाहरी सरफेस, पूरा घड़ा का सरफेस एक सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है इवेपोरेशन के लिए, इधर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल है। स्टील में ऐसा नहीं होता, स्टील के बाहरी सरफेस पर इधर जो है वो पानी नहीं रहता है, अगर रहेगा भी आप घड़ा ऊपर से खोल देंगे, यहाँ पे स्टील का बर्तन को खोल देंगे तो बस सरफेस यहाँ ऊपर, यहाँ जो सरफेस है वहाँ से इवेपोरेशन होगा, इन सब जगह से इवेपोरेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेट में इवेपोरेशन होता है क्योंकि घड़ा पोरस होता है, इसमें छिद्र होता है हल्का हल्का, जिससे अंदर से पानी यहाँ पर सरफेस पर आ जाता है, इसके चलते इसमें पानी ठंडा रहता है। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। और एक और एग्जाम्पल देखे होंगे कि जो चाय होता है ना, चाय जैसे कप में पीना हो अगर आपको, तो ये धीरे धीरे ठंडा होता है, चाय अगर गर्म है तो बहुत टाइम लगता है ठंडा होने में, इसलिए कुछ लोग चाय को क्या करते हैं, कप से, ये जो कप है ना, इसमें से चाय को पैन में डाल देते हैं, सॉसर पैन में। देखिए ये व्यक्ति
चाय को कप में पी रहा है, सॉरी पैन में पी रहा है, सॉसर पैन इसको बोलते हैं। इससे क्या होता है, चाय आसानी से ठंडा हो जाता है। क्यों? तो देखिए, कप का ये सरफेस एरिया जहाँ से वेपरेशन होगा, ये जो एरिया है, और पैन में ज़्यादा एरिया, इफेक्टिवली ज़्यादा, इतना एरिया पैन में, इतना ज़्यादा एरिया, अगर यही पैन लिया जाए तो ज़्यादा एरिया मिलेगा वेपरेशन के लिए। तो पैन में ज़्यादा एरिया से वेपरेशन होगा तो कूलिंग ज़्यादा आसानी से होगा। हालांकि चाय नहीं पीना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, पर हमने जो चाय का डायग्राम इधर बन लिया है ना, ये चाय, ये हर्बल टी है, इसमें निकोटीन वगैरह नहीं पाया जाता है, तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो ये जो सेक्शन था हमारा वेपर प्रेशर वाला, इसको हम लोग अभी एंड करते हैं। अब इसके आधार पर आपको एक एक्सरसाइज सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज आपको पीडीएफ कॉपी मेल कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल मेल वगैरह एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं ये एक्सरसाइज। आप वीडियो को पॉज करके और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नोट डाउन कर लेंगे। तो ये है, देखिए, ये एक्सरसाइज है ना, तो इसमें ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ये 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो इसको आप एक बार 1 मिनट के लिए वीडियो को रोक लीजिए और इस क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? और इसके बाद इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, तो ये देखिए, ये पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वीडियो को रोक करके क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। और इधर कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हम हर एक क्वेश्चन के सामने 3-4 सेकंड का पॉज दे दे रहे हैं। आप वीडियो को रोक करके ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4, ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 6 और 7, 7 के कुछ ऑप्शंस यहाँ पर हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है और ये आंसर की है। तो आप सभी लोग को हम बोलते हैं कि आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ाई कीजिए, और कल जब आप लोग दोबारा क्लास अटेंड करेंगे तो उस टाइम पर आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करके आइएगा, हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे जो लिंक मिलेगा आपको, उस लिंक में पोस्ट भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या आप मेल कर सकते हैं।